दो दिन पूर्व पुलिस द्वारा आरटीए कार्यालय के माध्यम से ओवरलोडिंग के नाम पर करोड़ों की अवैध वसूली करने वाले व लाखों की नकदी मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दादरी आरटीए कार्यालय के दो कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद भाजपा नेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों की संलिप्तता होने का आरोप लगाते हुए रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान करोड़ों के भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं और अधिकारियों की सीबीआई जांच करवाने की मांग करते हुए सीएम का पुतला फूंका। साथ ही अधिकारियों पर विश्वास न होने पर डाक के माध्यम से सीएम और पीएम के नाम ज्ञापन भी भेजा। दादरी जिले में पिछले दो तीन साल से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। हम बार बार आंदोलन कर चुके हैं। हरियाणा सरकार और यहाँ का जिला प्रशासन अवैध कमाई अवैध वसूली कर रहा है। 15 से 20 करोड़ रुपए प्रति माह हरियाणा सरकार के पास और अधिकारियों के पास अवैध वसूली जारी है। सबसे बड़ा अवैध वसूली का धंधा ओवरलोडिंग ट्रकों का है। हमने कम से कम 100 बार प्रदर्शन कर लिए, ज्ञापन दे दिए हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत मिल चुके हैं, कृषि मंत्री से व्यक्तिगत मिल चुके हैं। यहाँ के दादरी के आरटीए डीसी और स्थानीय सभी नेता मंत्री मिलके 15-20 करोड़ का अवैध कारोबार कर रहे हैं, यहाँ की जनता को लूट रहे हैं। ये सरासर गलत है। अब की बार हम फिर एक बार सरकार को चेता रहे हैं। पिछले साल 2017 में एफआईआर नंबर 309 दर्ज हुई थी आरटीए कार्यालय के खिलाफ, दो आरटीए के खिलाफ जो कि सरकार के दबाव में कैंसिल हो चुकी है। उसमें भी भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ था। अब फिर दादरी जो लोकल प्रशासन है उसने तो चूड़ियां पहन रखी हैं। रोहतक पुलिस ने आके दादरी आरटीए कार्यालय में छापा मारा है, एफआईआर लॉज की है और आरटीए कार्यालय के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया, कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। 50 से 60 लाख रुपए बरामद हुए हैं। हम चाहते हैं इस मामले की सीबीआई से जांच हो, उच्च स्तर पर जांच हो, ताकि कुछ नेता और कुछ बड़े अधिकारी इस मामले में पकड़े जाएं। और आज हमने भ्रष्ट मुख्यमंत्री का पुतला जलाया, क्योंकि दादरी जब मुख्यमंत्री आए थे हमने उसको चेताया था कि 15-20 करोड़ रुपए सरकार खा रही है। आज हमने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया है। ज्ञापन हम अधिकारियों के माध्यम से नहीं दे रहे, क्योंकि सभी अधिकारी चोर हैं। हमने डाक के माध्यम से और मेल के माध्यम से अपना ज्ञापन भेज दिया है। किसको भेजा आपने ज्ञापन? हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा है, मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा है। अगर फिर भी सरकार चेत में नहीं आई तो सामाजिक संगठन और उग्र हो जाएंगे और यह आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा। ओवरलोडिंग का जो खेल है, पीछे सीएम फ्लाइंग ने जो बंदे पकड़े हैं उससे ये साफ हो गया है कि ये खेल है वो बड़े स्तर पे खेला गया है। और ये मैच औपचारिकता लगती है, क्योंकि अब तक किसी बड़े अधिकारी की या किसी और जो जिनकी संलिप्तता लोग जो मान रहे हैं कि बड़े नेताओं की भी इसमें भूमिका हो सकती है, उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं है। और जब तक उनका पटाक्षेप नहीं होगा तब तक सारा खेल सामने नहीं आएगा। और ये कोई ऐसा काम लगता है कि 5 साल जब हो गए, 5 साल में सिर्फ एक बार आप कार्रवाई करते हो और ये पहला मौका नहीं है। अनेक ऐसे मौके आए हैं जब लोगों ने और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। और यहाँ तक कि जो वो डंपर मालिक भी हमारे साथ प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जो खुद ये चाहते थे कि ओवरलोडिंग पे लगाम लगे, पर कुछ लोग मिलके एक पूरा मिली भगत करके जो मंथली का जो खेल था वो लैपटॉप और जो मिला है इसका पूरा जांच जो स्थानीय लगता नहीं कि यहाँ पे पूरी हो पाएगी। पुलिस इसकी सीबीआई अगर जांच होती है तो वो सारे दोषी जो इसमें बड़े जो मगरमच्छ है वो भी सामने आ सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से क्या कोशिश में आगे कार्रवाई? देख, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और जो बड़े मगरमच्छ है वो कोई भी ना बच पाए, चाहे उसमें बड़े अधिकारी हो चाहे बड़े उसमें नेता हो। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।